सबसे पहले महाराष्ट्र की बात, जहां जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना का बागी गुट नई रणनीति पर आगे बढ़ने वाला है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे गुट आज राज्यपाल को उद्धव सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी भी सौंप सकता है। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि राज्यपाल भी मौजूदा राजनीतिक हालात का संज्ञान लेते हुए उद्धव सरकार को विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। और पल पल बदलते हालात पर बीजेपी की भी नजर है। बीजेपी ने अपने विधायकों को शॉर्ट नोटिस पर मुंबई पहुंचने का फरमान जारी कर दिया। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के अयोग्य ठहराने वाले नोटिस का जवाब देने की डेडलाइन बढ़ाकर बागी गुट को अस्थायी राहत दी। महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं महाराष्ट्र संकट टॉप 9। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिलने के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उद्धव सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल स्वतः संज्ञान लेते उद्धव सरकार को विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया तो उद्धव सरकार और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिलने के बाद एकनाथ शिंदे का बागी गुट महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उद्धव सरकार से समर्थन वापसी का पत्र सौंप सकता है। बागी विधायकों के खिलाफ डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई पर 12 जुलाई तक लगी रोक के बाद शिंदे गुट समर्थन वापसी का कदम उठा सकता है। शिंदे गुट अगर समर्थन वापसी की चिट्ठी देता है तो महाविकास अघाड़ी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी और फिर मामला फ्लोर टेस्ट तक जा सकता है। शिंदे गुट 40 विधायकों के समर्थन का दावा करता है। महाराष्ट्र के सियासी हलचल पर बीजेपी की नजर बनी हुई है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। राज्यपाल के संभावित कदम को देखते हुए बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को महाराष्ट्र में ही रहने को कहा है और जरूरत पड़ने पर शॉर्ट नोटिस पर मुंबई पहुंचने को कहा है। कल फडणवीस के घर पर चली लंबी बैठक के बाद सुधीर मुनंगटीवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई, भविष्य में हमारी भूमिका क्या होगी इस पर बातचीत भी हुई। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों को विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की ओर से जारी नोटिस पर जवाब देने की तारीख बढ़ा दी। कोर्ट के आदेश के बाद अब बागियों को 12 जुलाई शाम 5 बजे तक राहत मिल गई है। कोर्ट ने बागी विधायकों और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर भी आदेश दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि अगर उनके खिलाफ ही विधायकों ने अविश्वास जताया है तो वो दूसरों को कैसे अयोग्य ठहराने के लिए नोटिस जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 5 दिन में हलफनामा देने को कहा है। डिप्टी स्पीकर की ओर से पेश वकील राजीव धवन ने कहा था कि विधायकों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव वाला मेल अनवेरिफाइड ईमेल से भेजा गया था। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को भी नोटिस भेज कर जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने शिवसेना के विधायक दल नेता अजय चौधरी और चीफ व्हिप बनाए गए सुनील प्रभु को भी नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच असली शिवसेना और नकली शिवसेना की लड़ाई में बागी गुट को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिलने के बाद शिंदे के समर्थकों ने थाने में पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। कल थाने में शिंदे के घर के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से राहत के संकेत मिले तो समर्थकों ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर था। असली शिवसेना होने का दावा करने वाले एकनाथ शिंदे का पोस्टर गुवाहाटी में भी लगाया गया है। उनके समर्थकों ने पोस्टर में शिंदे के साथ बाल ठाकरे की भी तस्वीर लगाई और लिखा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, शिंदे साहब हम आपके साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद एकनाथ शिंदे ने भी ट्वीट कर कहा कि कोर्ट का आदेश हिंदुत्व सम्राट बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व और धर्मवीर आनंद दिघे साहेब के विचारों की जीत है। शिवसेना में बड़ी बगावत के बाद मुश्किलों में घिरे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस मजबूती से खड़ी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अगर राज्यपाल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराते भी हैं तो उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है और ये सरकार 5 साल तक चलेगी। बहुमत को लेकर बागी गुट का दावा झूठा है, अगर जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट भी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट से शिवसेना के बागियों को फौरी राहत मिलने के बाद कांग्रेस की लीगल टीम ने मातोश्री में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की लीगल टीम ने महाविकास अघाड़ी सरकार को बताया है कि कोर्ट ने जो फिलहाल आदेश दिए हैं उसमें किसी की जीत या हार नहीं है। विरोध गुट के जीत के जश्न मनाने पर ध्यान न दें,
कोर्ट ने सभी मामलों को फिलहाल होल्ड कर दिया है। कांग्रेस और एनसीपी ने उद्धव से कहा है कि बागियों के पक्ष में दो तिहाई यानी 37 विधायक किसी हाल में न हों।